नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में। देश के हालचाल तो ठीक है ना? अरे दादा, देश का हालचाल कैसा भी हो, हम लोगों का हालचाल एकदम ठीक है, गिरे है। और दादा, इनसे मिलिए, ये हमारा शहर का जाना माना फेमस बिल्डर योगराज बाबू, खूब भालो मानोश। नमस्कार नमस्कार। हाँ, नेता और बिल्डर साथ में, यानी कि मामला गड़बड़ है। ज्यादा ज्यादा गड़बड़ नहीं है चतुर जी, बस वही कांडवा गांव के आदिवासी बस्ती की समस्या है। वहां के आदिवासियों की जागृति ने केंद्र को झका दिया है, इसलिए मुझे वहां पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर मिला है। और दादा, दूसरी ओर योगराज जी का होटल हनीमून का कार्यक्रम एकदम फिट हो गया है, और ये करोड़ों का नहीं, अरबों रुपये का मामला है। इस बार भी हर बार की तरह आपका बराबर बराबर का हिस्सा है। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वालों को तुम लोग हटाओ, आदिवासियों को मैं हटाऊंगा। अरे दादा, अरे पुलिस वहां से हटेगा कैसे है? उसको तो देशमुख बाबू ने ही भेजा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, है? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था, क्या कर सकता था मैं? पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम, और उनको वहां से हटाना हम जैसे चतुरों का काम। क्या क्या कहा? अरे शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आपको कांडवा गांव की पड़ी है? कैसे कमिश्नर हैं आप? सुनो 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 कमिश्नर, सुनो, शहर में शांति सुरक्षा और गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए। हाँ, और सुनिए, वो जो कांडवा गांव में आपने पुलिस रख छोड़ी है, उसे यहां बुलाइए शहर में, बस यही मेरा ऑर्डर है। मगर इस हालत में अगर वहां कुछ हो गया तो? वहां जब होगा तब देखा जाएगा, अभी यहां हो रहा है, यहां का देखिए, यहां का सोचिए। हाँ, और मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, कांडवा गांव से पुलिस हटाइए बस। रुक जाओ! इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेघा जी, हमें बचा लीजिए। ये देखिए, ये लोग गोलियों से डराकर हमें बेघर कर रहे हैं, हमारी बस्ती उजाड़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए मेघा जी, हमें बचा लीजिए। अरे तुम सब कहाँ रहे हो? 10-15 गुंडों का मुकाबला तुम पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकते? अबे ओ सामना करने वाली, एक दूंगा ना तो बोलते हुए जुबान बाहर निकल जाएगी। तू है कौन हमारे बीच में आने वाली? हो गया, ये वही अखबार वाली है। हाँ हाँ, मैं वही अखबार वाली हूँ। अरे ये भाड़े के टट्टू, तुम्हारी धमकी वमकी यहाँ नहीं चलेगी, चलो बाहर निकलो यहाँ से। चला दो बुलडोजर, मिटा दो सारी बस्ती को। नमस्ते। नमस्ते, आइए। देख ली ना कलम की ताकत, प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला? म्यूनिसिपालिटी के अस्पताल की ये खटिया, यहां डॉक्टर नहीं खटमल खून की जांच करते हैं। आंदोलन करो तो ये हालत, भूख हड़ताल करो तो पुलिस मुंह खोलकर अंदर मौसमी का रस डाल देती है। जाने दो ना, काय को एक साफ सुथरी नौकरी करो। टाइपिंग टाइपिंग आती है? तो मुझे देखने आया या ताना देने? नहीं ताने नहीं, बताने आया हूं। मतलब क्या है कि वो तू वहां गई थी ना, वो आदिवासी की कांडवा, कांडवा में गई थी ना, वहां वो जगह, वो वहां भी वहां मैदान हो गया, पूरा मैदान, बच्चे वहां गिल्ली डंडा खेलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां रिसोर्ट बनेगा, बड़ा होटल, विदेशी लोग आएंगे भारतीय संस्कृति का अभ्यास करने, फिर हमारी आदिवासियों की नंगी फोटो खींचेंगे, लेके जाएंगे, दिखाएंगे, डार्लिंग यह है इंडिया। बैड टेस्ट। तू कहना क्या चाहता है? नहीं कहना क्या, अरे अतुल तू बैठ, घर की बात है, बैठ बैठ बैठ। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज क्या मतलब
एक्चुअली द प्रॉब्लम इज अरे क्या एक्चुअली सीधे हिंदी में बात करना, बात यह है कि शिमला में बर्फ गिरेगी तो ये आत्महत्या करेगा। शिमला में बर्फ पड़ेगी तो ये आत्महत्या करेगा? हाँ, वो ममता का ये है ना, वहाँ बर्फ गिरेगी तो उसको सर्दी होगी, उसको सर्दी होगी तो ये दुखी होगा, ये दुखी होगा तो आत्महत्या करेगा। ये जाना चाहता है वहाँ भाड़े का, वो थोड़ा भाड़े का पैसा, भाड़ा गाड़ी भाड़ा चाहिए, मतलब उधार चाहिए? नहीं उधार नहीं, तो फ्रूट्स, फ्रूट्स 30 रुपीस। थैंक यू, हाउ स्वीट, इसकी क्या जरूरत? नहीं ये तो मेरा फर्ज है, 30 रुपीस दिए है ना, क्या 30 रुपए? क्या है कि भाड़ा नहीं देना ये कायदे से गुनाह है, पिछले 3 साल से आपने भाड़ा नहीं दिया, मैंने सोचा कि मैं जाके ये कायदा सिखाने आया है मुझे। नहीं मेरी मैंने... हालत में मुझसे भाड़ा वसूल कर रही है। ऐसी क्या बात कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, फोकट में 30 रुपए भी गए। अरे यार कमाल की लड़की है, फूल की जगह फल फेंकती है। अब मेरे शिमला जाने का क्या हो गया यार? डॉक्टर विश्वनाथ? यस डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ क्या बात है? डॉक्टर विश्वनाथ, अभिनव केमिस्ट के वहाँ आप यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन चोरी से बेचने आते हैं ना? ए चुपे, ए किडनी चोर, ज्यादा बात मत कर, खून बेचता है यहाँ से, मेरे को सब मालूम है, मैं सबको बोल दूंगा। बंद कर मुँह, मत खोल इधर। मुँह मत खोल, तो जेब खोल, चल कितना है बोल। अरे 500 रुपए है। साला इतना कमाता है और 500 रखता है, चल हट हट, बाहर मत बोलना। अरे साला तेरे जैसे गंदे आदमी से कभी पैसा नहीं लेता, मजबूरी है इसलिए। 500? अरे इससे क्या होगा? अरे पूरा चक्कर घुमाऊंगा, चल। लकी नंबर लगाओ, एक का दस, एक का दस, दिल खोल कर लगाओ, एक का दस, एक का दस। इधर भी उजड़ा चमन। मैडम लगता है आज आपका लक फेवर नहीं कर रहा। अरे चल प्रताप, चल कहीं और चलते हैं यार, चलना यार। चल 500 रुपए लगा देते हैं, बनी तो बनी, नहीं तो अब दिल गनी। अरे कुर मिला के 500 रुपए हड़पे हैं, वो भी चले गए तो पेट्रोल के भी वांदे हो जाएंगे। रात को कौन पेट्रोल देखता है यार? अरे तेरे को भी धनिया की आदत है मालूम नहीं, यार छोटा मगज। हाँ मालूम है। चल ए उजड़े चमन, अंधेरे में चश्मा पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है, आंखें तो ठीक है ना तेरी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये देखो। लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। क्या बकवास करते हो, कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रहे हो, आप इन्हें नहीं जानते? ये शहर के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर झुंझुनवाला है। डॉक्टर झुंझुनवाला? डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, प्लीज बताइए ना मेरी आंखों में क्या खराबी है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अतुल लगा दे 500 की हरियाली। तो ये मेरे 500 रुपए 31 नंबर पे। 31 31 तीन के ऊपर एक घुमा दे चक्कर। ये आपके 5,000। उजड़े चमन, 5,000 के कितने होते हैं? 50,000। अतुल हाँ। तो घुमा दो चक्कर 5,000 का 33 नंबर पर। शिमला जाएगा, ओए मिल गए 50,000, तू गाना गाएगा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने मैंने चोरी किया लेकिन अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए? सुन सुन, करोड़ करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति को रोड़पति बना दोगे? मेरे घर में नहीं रहने का, बाहर निकल। मेरे को बाहर निकल, मेरे को खाने दे, बाद में निकलना। बाहर तू बाहर निकल। सलाम अलैकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। तो बे उजड़े चमन, सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया? लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं,
एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो चार बचा है ना वो भी उखाड़ दूंगा। प्रताप बीड़ी जो ये साला, एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले पूरा डाल ले, सवारे काम आओ से ले। राख राख मारा क्या भोग लगे, सुतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया, है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा सुनाओ ना कहानी। छोड़ दे मुझे। चल जा हरम जाती, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। माँ छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। डाल दो साले की जिप में। माँ मेरी माँ को बचा लो। बचाओ बचाओ, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को। अरे क्यों है तुझ पर, सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाह जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को मामा। अरे ये क्या बचाएगा मुझे, ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वैश्य बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ोगी तुम लोगों को, कमीने कुत्ते। मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे बहुत मारा तुझे मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। हाँ मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़ोगे? कौन करवाता? कौन? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई अपने अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। भाई तेरा मुनी मुंह लोग क्या कहेंगे? तू क्या कर रहा है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबालियों के साथ में, नहीं तो तेरे को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या आसरा है? क्या आसरा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना, 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 मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर बेटे। रंडी बाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कन्फर्म करोड़, एक करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। तुम मेरी इकलौती बेटी हो ममता,
सो मुझे मालूम है कि अगर तुमने कोई लड़का चुना है तो जरूर वो कोई हीरा होगा। वो कोई बिजनेस मैग्नेट है या इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं डैडी, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर जरूर वो किसी बड़े अफसर का बेटा होगा, या इनकम टैक्स ऑफिसर का, या कस्टम कलेक्टर का, या फिर पुलिस कमिश्नर का, या मेजर जनरल का।